الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجده الكريم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعا ہے اج دی با برکت اور با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار بزم دے تصدق نال منتظمین شرکا سامعین و ناظرین نو خالق کائنات قدم قدم تے خیر برکات اور اپنی رحمتاں نصیب فرمائے بیماراں نو شفا مرحومین مسلماناں دے درجات وچ بلندی خالق کائنات پاکستان نو عزت و کامرانی امن و استحکام اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے رب ذوالجلال اس پاک اور حسین بزم دے ثمرات اور ایدی برکات سنو اور سڈیاں نسلاں نو ہمیشہ نصیب فرمائے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ خاصی دیر تو اس پاک بزم دا حصہ بن کے رب دیاں رحمتاں سمیٹن وچ مصروف ہو اللہ تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی عزتاں دی خیر فرمائے انسانی معاشرے وچ ویسے تے جملہ مخلوقات وچ سب تو اچھی تے سب تو اعلی مخلوق حضرت انسان ہے تے انساناں وچ سب تو افضل تے اشرف ہوے جنوں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے یعنی انسان بہت بلند ہے لیکن انسان وچوں سب تو معتبر تے سب تو لائق تکریم ہوے جدے کول ایمان ہے اور ایمان سب تو بڑی دولت ہے جس نو ایمان مل جائے اونوں کائنات دی ہر شے گویا اللہ نے عطا فرما دتی ایمان انسان نو غلاظت تو بچاندا ہے جہالت تو بچاندا ہے
नफरत तासुब हसद हट धर्मी तो बचांदा है, रिश्तियां नु तोड़न तो बचांदा है, और ईमान इस्लाम नु रिश्तियां दे तकद्दस और उन्हां दी मोहब्बत नाल जोड़न दा हसीन और पाकीज़ा फलसफा पेश करदा है। बहसियत मुसलमान तुहाडे मेरे सब ते फर्ज़ है कि असा हर लम्हे ईमान दा नूर लोगां विच मुंतकिल करिए। तुहाडे मेरे किरदार नाल साडियां नस्लां नूं महसूस होवे कि असा वैसी नहीं, दरिंदे नहीं, असा एक दूजे नूं लड़ावण वाले नहीं, असा एक दूजे विच नफरतां दे बरूद वो बीजण वाले नहीं, असा मुहब्बतां दे गुलशन महकावण वाले हां। जाहिरे दायरे अपने अपने होंदे ने, नस्ली, फिक्री, जमाती, सियासी, मसलकी, ये दायरे होंदे ने, ये माशरे दा हुस्न ने, लेकिन उन इकाइयां विच रह के, हदूदो कयूद और लिमिट्स विच रह के एक दूजे दी अखलाकी कदरां नूं पामाल करन दा तसव्वुर ये यकीनन इंसानी अकदार दे वास्ते बहुत बड़ा कातिल है। इज्तिमाआत ये बुनियादी तौर पर शुरू भी इस वास्ते किए गए ने, है ही इस वास्ते ने, होने भी इस वास्ते ने कि ये तरबियती नशिस्ता ने, यानी एक जलसे तो बाद कम अज कम ज्यादा नहीं कि कुछ छे महीने तो साड़ी तबीयत ते ओदे असरात होने चाहिए ने, तो उन्नी देर फिर अल्लाह करेगा कुछ होर बजम बैठन की सादत मिलेगी तो ओदे असरात मुरत्तब होंगे। जेड़ा टीचर दी गल तालिब इल्म कबूल न करे और सुन के वाह वाह करे तो एदा मतलब है वो फिर कमरा इम्तिहान फेल हो जाए तो वह उस्ताद नूं ओदी वाह वाह दी लोड़ नहीं, उस्ताद नूं ही लोड़ है कि उन्हें मेहनत की। मतलब यह नहीं होंदा जेड़ा मिंबर ते बबे वह उस्ताद है, तुसां ढेर पढ़े हुए भी होंदे हो, लेकिन असी सारे बहसियत कौम मिल के गौर खोज करके अपने आप नूं वेखिए, क्योंकि कमजोरी मेरी या तेरी एक बंदे दी नहीं, किते ऐसा ना होवे कि खुदा ना खास्ता इस्लाम दे उत्ते हरफ आ रहा होवे, दीन ते हरफ आ रहा होवे। मैं मुबारकबाद पेश करना उन्हां लोगां नूं जिन्हें ये पाकीज़ा इज्तिमाआत दे तसव्वुर नूं शुरू किया, और साडे भाई मास्टर खिज़र साहब उन्हां मोहसिनीन विचों ने जिहड़े इस इलाके विच हर एक अच्छे दोस्तां नाल मिल के हमेशा ऐसे पाकीज़ा इज्तिमाआत दे इनेकाद अंदर अपनी तमाम तर सर्विसेज पेश करते हैं। अल्लाह पाक सानू इन्हां दी बरकत और समरात नसीब फरमाए। ग्रामी कदर बुजुर्गो और दोस्तों, अल्लाह देखा सब तू ज्यादा इज्जत वाला कौन है? मोमिन। कौन है? थोड़ा जो होर हौली बोलना है, एक बारी फिर ट्राई मारो, अल्लाह सलामत रखे, फिर बोलो मोमिन। सब तू इज्जत वाला मोमिन है, अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया, क्योंकि अल्लाह इज्जत वाला है और रसूलुल्लाह नु अल्लाह ने कायनात विच इज्जतां अता करन वाला और उन्हां दी कुर्बत और सोबत विच इज्जतां लभदियां ने ओ वंडण वाले, और जेड़ा उन्हां दी बारगाह विच जुड़ गया ओ मोमिन बन के इज्जत वाला हो गया, मोमिन बन के इज्जत वाला हो गया। अच्छा, मोमिन दे कुछ हदूद ओ कयूद ने, इहदी कुछ लिमिट्स ने, अगर उन्हें लिमिट में है तो फिर तो समझ लो मोमिन है, जे अगर वो लिमिट क्रॉस करे तो फिर इसका मतलब है वो बदनसीब, ईमान जैसी बड़ी दौलत तो महरूम हो रहे हैं। तो ईमान का दुश्मन केड़ियां चीजा ने वो तुहानू पता है, ईमान की दुश्मन वो चीजा ने जेड़ियां इनू खत्म कर दियां, कोशिश कर दियां, कमजोर कर दियां। मसलन इस ईमान की सब तो बड़ी दुश्मन इस माशरे विच जिहड़ी चीज है वह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच ना लेके दो नंबरी करना, ईमान दे बर्बादी दा बायस है। लोगों दे दिखलावे वास्ते नेकी करना, सूद खाना ते सूद लेना, जना नाल ताल्लुक रखना, शराब जैसी बेहया लानत नाल अपना ताल्लुक जोड़ना, बद अखलाक और बद किरदार बन जाना, ये वो चीजा ने जेड़ियां ईमान नूं खा जांदियां ने। जे तुसां मैं सब कुछ भी होवीए ते ईमान ना होवे ते फिर कुछ बचिया? फिर ते हर शर उड़ गई,
जितना मर्जी किसी नाल प्यार करिए, नारे लाइए, दाढ़ी शरीफ रखिए, इमामा शरीफ पाइए, जुब्बा पाइए, और हर वेले ऐसा आले बैत नाल, असाबे रसूल नाल, हुजूर दे नाल गुलामा वाला प्यार दावा भी करिए, ते साडा किरदार इस्लाम दे एंटी होवे तो फिर इहदा मतलब है बहुत बड़ी गद्दारी है और दीन इस्लाम नाल धोखा है। ते जिहड़ा धोखा देवे वो मुनाफिक हुंदा है। अल्लाह देगा सब तो बदतरीन मखलूक मुनाफिक है। इन्नल मुनाफिकीन फिल दर्क अलअस्फल मिनन नार, ये जहन्नम दियां गहराइयां विच छुपी जाण वाली कौम है। काफिर मोस मुनाफिक तो चंगा है, कम अज कम चिट्टा रड़ा धो के ले जवाब दे दे, उन्हें पता है कि मैं काफिर हाँ। ते जेड़ा ड्रामा करे, जेड़ा धोखा करे, क्योंकि इस्लाम वास्ते भी नुकसान है। और सब तो ज्यादा सख्ती सख्त वईद आई उन्होंने वास्ते जेडे इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ते अपनी अपनी ख्वाहिश की तकमील कर दें, क्योंकि मोमिन की अपनी ख्वाहिश नहीं होती, अपनी ख्वाहिश रखे तो मोमिन नहीं। मोमिन की ख्वाहिश हर एक ख्वाहिश दीन के ताबे होती है, मोमिन बनता ही होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की मिसाल इंजे जिवें ऊंट के नक च नकेल ते बच्चे के हाथ च महार, जिथे मर्जी उठावे, जिथे मर्जी बिठावे, जिथे मर्जी टुरावे, क्योंकि ऊंट फिर अपनी मर्जी नहीं करता, भार ऊंट ते होंदा लेकिन मर्जी ऊंट दी नहीं चलती। इस तरह नाल मोमिन जदों शरीयत मुतहरा दी नकेल अपने नक च पा लैंदा, मोमिन तो बनदा ही उदों है, ते जदों बन जांदा फिर अपनी मर्जी नहीं। और जिथे अपनी मर्जी चली है या लोगों ने दौलत नाल अपनी मर्जी करवाई, अल्लाह ने उन्हें वडेरा बनाया अपनी मर्जी कराई, अल्लाह ने हुक्मरान बनाया उन्हें अपनी मर्जी कराई, अल्लाह ने उन्हें बड़ा बनाया तो उन्हें अपनी मर्जी कराई, फिर वह कौमा बच दिया, बड़े बड़े लोग तबाह हो गए। अकबर बचे, मर गया, तस्करा खत्म हो गया। उस दौर के नाल उहदे नाल लगे दो मौलवी चोटी दे एडे वड्डे आलिम सन कि ओ कलाम कर दे सन ते कमाल कर दे सन, कुरान दी तफसीर लिखी ते नुक्ता ही कोई नहीं, एडे वड्डे वड्डे चोटी दे उलमा बर्बाद हो गए। लेकिन ओदे मुकाबले विच तने तनहा इमाम रब्बानी मुजद्दद अलफसानी खड़ा हो गया। तारीख उन्हें मिटा नहीं सकी। बादशाह जिथे बड़ा बंदा अपनी मर्जी इस वास्ते क्योंकि बड़ा बनावण वाला अल्लाह है, अल्लाह अगर किसी चार पैसे देवे, चार टके देवे, उदे वास्ते जरूरी है कि वह झुके। जेड़ा जिनू मईशत झुका देवे ना, गुरबत झुका देवे, उदे वास्ते जरूरी है कि उठ के परवरदिगार नू याद करे, ते जिनू रब उच्चा कर देवे उदे वास्ते जरूरी है कि झुक के रब नू सजदा करे, ताकि रब राजी देवण वाला तो वो है ना। देखो ना मिनट च कंगला कर देता है, मिनटा में हजार हा करोड़ हा अरब हा खरब हा चीजों के लोग मालिक सन, लेकिन यकदम तूफान आया हर शह विक गई, लैन च लग के भीख लै रहे, बेनियाज दियां बेनियाज दियां। इस वास्ते आओ, तुहाडी मेरी पहचान दौलत नहीं इस्लाम है, तुहाडी मेरी इज्जत इक्तदार नहीं वो मुस्तफा दा दीन है। ते जदों मुस्तफा दे दीन दे खद्दो खाल नूं, बाकी इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, जज बनो, अल्लाह तुहानूं होर इज्जत देवे, क्योंकि वो सारियां चीजा अल्लाह दियां अता करदा, जितनियां भी ने उहदे विच आजमाइश जरूर है। ईमान दी वो चीज है जिथे तुहानूं कदम कदम ते इज्जत ते खैर नजर आएगी। बरकत फरमाया खालिक कायनात ने, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कदे कदे कुरान ते भी हौली जी सुभान अल्लाह, चलो थले मुंह करके आखिर तक करो, लेकिन आके जरूर करो। जो कुरान ते सुभान अल्लाह आखदे हो ना, फिर सानू एहसास होंदा कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम कुरान सुनण वाली है। जे फस ही गया तो चलो कोई बात नहीं, जिन्हों शर्म आवे थोड़ा जिहा मुंह थले रखे तक कि कुरान का सवाब उन्हूं भी लभ जाए, ते जिहड़ा कुरान ते सुभान अल्लाह आखे अल्लाह उन्हूं पुत्तर देवे जिहड़ा मुसल्ले ते अब्बे नूं कुरान सुनावे, ते जिहड़ा कुरान ते सुभान अल्लाह हौली आखे जना आख सके अल्लाह करो ते खत्म ते जरूर कुरान पढ़िया जाए। तवज्जो है ना, ये जिहड़ी आयत करीमा मैं पढ़ीए, इस आयत करीमा दी वैसे ते हर आयत शान वाली है, लेकिन ये आयत करीमा जदों नाजिल हुई ना, ते कसम खुदा दी मुहम्मद पाक दे सहाबा दियां पोजीशनां वेखण वालियां सन, और किसी यहूदी ने कहा हजरत उमर पाक नूं ये आयत इंज दा हुक्म अगर सानू आंदा ते असां उस दिन नूं ईद दा दिन डिकलेयर कर दे, केडे खुश नसीब हो अज दीन दी तकमील दा ऐलान रब ने खुद फरमा दिया।
खुद ऐलान फरमा दिता मेरे रब ने दीन तुहाडा कामिल दीन मुकम्मल ए दीन इस्लाम ए जामे दीन कामिल दीन इनू सिर्फ मजहब कंसीडर न करो के नमाज पढ़ ली दीन जनाब कम हो गया हज कर लिये रोजा रख लिया ए दीन नहीं इस्लाम दे मजहब दा होण दा तसव्वुर ए इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है जामे दीन इहदे उत्ते सिर्फ हज वाला रोजे वाला जकात वाला सिर्फ सिलसिला नहीं है बल्कि दीन ओ जामे वे हर मामले अंदर दीन अपनी अहमियत ते अपनी अजमत साबित करदा है जदो मां पुत्र दीन दे ताबे जदो धी मां दीन दे ताबे जदो पियो पुत्र दीन दे ताबे जदो उस्ताद शगिर्द दीन दे ताबे जदो पीर मुरीद दीन दे ताबे जदो वजीर मुशीर दीन दे ताबे जदो हाकिम माकूम दीन दे ताबे अदना आला दीन दे ताबे होएगा फिर पूरी कायनात आलम ते वेखदियां मुहम्मद पाक दे दीन दा फरेरा लहरांदा नजर आएगा दीन तो उच्चा कोई नहीं है इज्जत पीर दी वी दीन दी वजह नाल है इज्जत सैयद दी वी दीन दी बरकत नाल है गैरे सैयद दी वी दीन दी बरकत नाल है उस्ताद ते तालिब दी इज्जत वी दीन दी बरकत नाल है आओ जरा वेखो तो सही असां दीन नू कितनी अहमियत दित्ती है या दे रहे हां अगर दीन नू इज्जत दोगे फिर कसम खुदा दी दीन इज्जत इंज देंदा है कि फिर दुनिया हैरान रह जाती है ये दीन नू इज्जत देण दा पुछदे हो तो फिर अबू बकर सिद्दीक नू देखो जिन्हें आख्या माल भी दीन लईए जायदाद भी दीन लईए मेरिया तमाम तर सर्विसेज खसूसियात दीन लई दे अगर दीन नू आमियत इज्जत देण दा समझना चाहती हो फिर जनाब हैदर करार नू सामने रखो जिन्हें ताकत कुवत दीन दे नावे लाई है अगर दीन दी आमियत पुछना चाहती हो फिर करबला दे शाह सवार नू पुछ लो जिहड़ा मस्जिद नबवी दा इमाम ते खतीब है जिथे 50,000 नमाज दा सवाब है जिहड़ा हरम ए काबा दा मालिक ते इमाम है जिथे लख नमाज दा सवाब है ओ हुसैन जी दे हाथ चुमण वाले मुख्तदर सहाबा ने ओ हुसैन जी दी जियारत करन वाले नबी दे गुलाम ते सहाबा ने ओ हुसैन जी दे कपड़े जन्नत चू आंदे ने ओ जिदा खाना जन्नत चू आंदा है जिदा झूला फरिश्ते झुलांदे ने जेड़ा बाबुल इल्म दी झोली विच पलिया है जिनू कौनैन दे वाली ने कंधियां ते बिछाया है जिदे लई खुतबा मुस्तफा ने छोड़े आए जिदे लई सजदा आमिना दे लाल ने तवील फरमाया है ओ इज्जत वाला हुसैन अपना सब कुछ कटवा के ओ मुहम्मद पाक दे दीन दा तहफ्फुज पिया करदा है अज अगर तेरे मेरे सामने दीन दा कत्ले आम होवे अगर बंदा ना दीन दा लवे और दीन दिया दुश्मनियां दा तसव्वुर पेश करे फिर चौधरी ओ मलको नवाबो खानो देवबंदी ओ वहाबी ओ सुन्नी ओ शिया ओ गौर ते करो अगर मेरे पुत्र दी शादी ते कंजरियां नचदियां होवे हुसैन ते बच्चे कटा के दीन बचाया मैं अपने बच्चे दी खुशी ते मुहम्मद दे दीन दी दुश्मनी क्यों पिया करना अगर मैं अपनी धी दी रुखसती दा इंतहा तमाम कीता है ते मेरी बेटी दी रुखसती ते मैं दीन नू क्यों भुलिया अगर मैं अपनी बच्चे दी शादी कीती है मैं दीन नू क्यों पिया भुलना अपने वीर दी शादी ते दीन नू क्यों भुल रही हां मैं उस ज़कात देवण लग्या दीन नू क्यों भुल गया मैं चंद टके दी नौकरी मिली है ते दीन नू क्यों भुल गया अल्लाह ने मैनू जनाब जनाबे वाला कुछ जमीन दे खिता दिता है ते मैं दीन नू क्यों भुल गया ते दीन नू भुलना बेगैरती वाला काम है और दीन नू याद करके अपना सब कुछ कटा देना ए मुहम्मद दे शहजादे पाक हुसैन दा काम है नबी दे प्यारे गुलामो यजीद सब को जाई मौलवी नमाजी इमाम खतीब सब को जाई लेकिन बगैर
ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਦਾ ਏ ਦਾੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਤੀਬ ਤੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਆਈ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਜਾਣਦਾ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤਾ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਉਂ ਏ ਕਮੀਨਾ ਕਿਉਂ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਨ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦ ਕਮੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨ शरीयत नू ना भुलना दीन नू ना भुलना लोका पुछिया हजरत मौलाए कायनात नू तुसां दसो हजरत अबू बकर कौन है उन्हां आख्या अबू बकर दा की दसो जदो एक एक खजूर नाल पूरी पूरी फैमिली टब्बर गुजारा कर दी आई उस वेले मुहम्मद पाक दी गुलामी विच जू आया है आंदे आसार 40,000 दीनार ते दिरहम दा मालिक जू आई सारा मुहम्मद पाक दे कदमा विच रख के आंदा है आज तू मेरी जान दा भी मालिक तू है माल दा भी मालिक मेरे नबी दे प्यारे गुलामो जो बात दीन दी आवे फिर आए बाए साए क्यों कैसे न चले फिर बस दीन हौली बोलो फिर बस दीन असा बर्बाद क्यों है तबाही वल क्यों जा रहे हैं हालांकि तादाद थोड़ी नहीं 1.5 अरब मुसलमान छोटा जिहा खत्ता इसराइल अपना मजहब नहीं पिया छोड़दा रिजल्ट की पिया निकलदा वेख चुके हो फहाशी उरूज वल बेगैरती उरूज वल बेहयाई उरूज वल रिजल्ट पिया निकलदा है ताजर भी जनाब मिलावट कर रही आए बिजनेसमैन झूठ बोल के सौदा बेच रहे आए जिम्मेदार बेचारा जनाब परेशान और मुस्तरिब नजर आंदा क्योंकि उसर ज़कात तो पिछा हट गया है मौलवी बेचारा परेशान है क्योंकि हाकिम दी तबीयत के मुताबिक वाज पिया करदा है पीर बेचारा परेशान है क्योंकि ओ जालिम शफाक दुनियादार कमीने मुरीद के मुताबिक हुलिया पिया बनांदा है ओए हक बयान कदो होवेगा इसे वास्ते हुसैन ने बच्चे कटाए ने कि तुसा मैं सारे बेईमानी वल तुर पई है खानदाने रसूल दिया कुर्बानियां नु रायगा ना रख उना दे नाम ते सिर्फ रोना कमाल नहीं है उना दा झंडा लाना कमाल नहीं है उना दे नाम दा जलूस कढ़ना कमाल नहीं है उना दा तज़किरा करना कमाल नहीं है की जवाब देंगे असा तुहाडे नाल लैके खांदे ते जींदे रहे ना ना जवाब मजा ता है जदो पाक हुसैन दिस बार कावे जाइए हुसैन फरमावन मैं खुश होगी हां मैं उस दौर दे यजीद बेगैरत नु मरोड़े आए तुसा हर दौर दे यजीद दी अख तक पाक मेरे मिशन नु संभाले आए तवज्जो है कि नहीं साडे गां लोगां दा ख्याल ए हुंदे हुण मिंबर दी आवाज भी साडे मिजाज ते आ जाए फिर बर्बाद देख लीजिए चुके अरब दा की बने है मौलवियां नु यरगमाल कीता गया पैसे ते दौलत दी वजह नाल रिजल्ट की निकलिया
इंसानियत दा कातिल ट्रंप 20 किलो सोने दी तलवार दित्ती शाह सलमान बुड्ढे खोसट जानी शराबी ने। इंसानियत दे कातिल ट्रंप नाल नचदा नजर आया 125 मीटर दी कश्ती दित्ती सोने दी शाह सलमान बुड्ढे खोसट जानी शराबी ने। ओदे नाल अटकेलियां करदियां नजर आया 34 मुल्कां दे हुक्मरान बेजमीर सामने बिठा के या शाह सलमान बुड्ढे खोसट जानी शराबी ने आख्या हुण तू जरा इस्लाम दी जनाब बात कर। उन्हें आख्या मैं दहशत गर्द इस्लाम नूं खत्म करांगा, मैं एक नवा इस्लाम ले आवांगा जेड़ा पुर अमन होवे, मतलब है जेड़ा गैरत दी गल ना करे, जेड़ा जनाब मुस्तफा दी इज्जत नामूस दी गल ना करे। ओ जरा सोचो तो सही, तेरे मुल्क च एक कुत्ती भौंके आसिया मलूना सारा यूरोप इकट्ठा होके ओनू लेके वापस तुर जाए, ते तेरे मुल्क च नबी दी इज्जत दी बात होवे ते दहशतगर्दी दा परचा ओनू जनाबे वाला ओदे ते जनाबे फोर शेड्यूल लागू होता है। आखिर दसो तो सही, ये मुल्क किस वास्ते बनया है जिथे दीन दी गल दे बारे नाल तनूरां ते लिखे होवे मजहबी गुफ्तगू करना मना, बसां ते लिखे होवे मजहबी गुफ्तगू करना मना, होटलां ते लिखे होवे मजहबी गुफ्तगू करना मना, पब्लिक प्लेस ते लिखे होवे मजहबी गुफ्तगू करना मना। असा की पे दसने आ क्या दीन दहशत कर दे? ओए खुदा दियो बंदियो, जदों मजहबी गुफ्तगू करना मनाए तो फिर दसा धी दे दुपट्टे दी गल कौन करेगा, मां दे तकद्दस दी गल कौन करेगा, गरीब दी गुरबत दी गल कौन करेगा, शरीफ दी शराफत दी गल कौन करेगा, इल्म हिकमत दी गल कौन करेगा। उन्हां कोलों सुनोगे जिथे वजीर दाखला भी होवे, बैरिस्टर भी होवे, सूरत कौशल आंदी होवे, जिथे फार्म क्वालिफाइड भी होवे, वजीर दाखला भी होवे, सूरत इखलास आंदी होवे, जिथे बंदा ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड भी होवे, ओनू खातम नबीजीन आंदा होवे, जिथे बंदा वजीर हवा खारिज होवे, ओनू सूरत नास ना आंदी होवे। ए एक दो चार नहीं, ए सब दा एही हाल है जिथे पढ़िया लिखिया दा आलम ए होवे। सत वोट जनाबे वाला रिजेक्ट हो जावन, जाया हो जावन, और जिनू वोट पावण दा नहीं पता ओदे इल्म दा की आलम है, जिनू मोहर लावण दा नहीं पता ने कानून साजी की करनी है। लेकिन जरूरत इस बात की है, आओ उन्होंने छोड़ो, अपना ते तुहाडा ते मेरा अपना दायरा कार च गौर करिए, क्या तेरा मेरा बेटा शरीयत दा बागी ते नहीं बनदा जा रहा, क्या तेरी मेरी थी शरीयत मुताहरा नु जनाबे वाला कैसी अमीयत दे रही है, क्या तेरा मेरा घर मोहम्मद पाक दी शरीयत मुताबिक है कि नहीं है। कसम है रब्बे काबा दी, जदों शरीयत मुताहरा दा हसीन ते पाकीजा तसव्वुर पनपदा नजर आएगा, फिर घरां विच पैदा घूमण वाला अनपढ़ भी होवे ते गाजी इल्मुद्दीन दा रूप धारदा नजर आएगा, हाई क्वालिफाइड भी होवेगा, तो फिर वह माशरे सोसाइटी अंदर मुहम्मद अरबी दा गुलाम जज भी बनेगा, जियाउल उम्मत मुहम्मद करम शाह अल अजहरी दा रोल प्ले करदा नजर आएगा, वह वकील भी होवेगा ते गाजी इल्मुद्दीन दा वकील बन के बानिए पाकिस्तान कैदी आजम मुहम्मद अली जना दा रोल प्ले करदा नजर आएगा। अगर वह उस्ताद होवेगा हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल दा रोल प्ले करदा नजर आवेगा, इस माशरे अंदर पार्लीमेंट दा मिंबर होवेगा, कायद मिल्लत नूरानी दा रोल प्ले करेगा, वह सैनेट दा रुकन होवेगा, मुजाहिद मिल्लत नियाजी दा रोल प्ले करेगा। और तेरा मेरा बेटा अगर फार्म क्वालिफाइड होवेगा, गाजी आमिर चीमा दा रोल प्ले करेगा, नेशनलिटी होल्डर होवेगा, गाजी तनवीर दा रोल प्ले करेगा, अगर मुफस्सिर होवेगा सैयद अबुल हसनात कादरी दा रोल प्ले करेगा, और तेरा मेरा बेटा पुलिस मुलाजम होवेगा, गाजी मुमताज कादरी दा रोल प्ले करेगा, अगर इमाम होवेगा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दा रोल प्ले करदा नजर आएगा। मेरे नबी दे प्यारे गुलामो, तुसां दसो शरीयत दी बाला दस्ती
कि जिहड़ी तुहाडे मेरे बजुर्गां ने तुहानूं मैनूं दित्ती है नसल विच कदों मुंतकिल करांगे। दीने नहीं आंदा बिजनेस छोड़ो, कारोबार छोड़ो, आंदा सब कुछ करो, लेकिन शरीयत नूं सामने अहमियत नाल रखो। ये तेरी ख्वाहिश है तेरी बेटी महफूज होवे, मेरी ख्वाहिश है मेरी धी महफूज होवे, तेरी मां बेटी दा तहफ्फुज होवे, मेरी बहन बेटी दा तहफ्फुज होवे। ओए अल्लाह दी किबरियाई दी कसम है, ए पीटे पीपे नूने नहीं, ए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, ए जनाब वाला सोशल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नहीं, तेरी मेरी धी ते मां बहन दा मुहाफिज सिर्फ मुहम्मद दा दीन है। फिर मरण तो पहले तुसा अपनी धी बहन परेशान देखोगे। अगर तुहाडे कोल किसी की मां बेटी महफूज नहीं है, तुसा जितना मर्जी की हिफाजत करो, बहन बेटी महफूज नहीं। क्या वेख नहीं चुके जिन्हें कल पैसे दी रेल पेल नाल मजबूर धीआं दे नूं नचा के उन्हां दे नाच गाने वेखे, अज उन्हां बड़िया बड़िया दीआं धीआं टिकटॉक ते नचदियां नजर आ रही कि नहीं। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੀ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਚ ਐਸੇ ਬੇਹਯਾ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਖਾਇਸ਼ਮੰਦ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਤਿਜਾਰਤ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੁਫਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਰੂਟ ਦਾ ਤਾਈਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਕ ਦਿਨ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सीधा रास्ता परवरदिगार दा कुरान 1400 साल तू ऐलान पिया करदा है। अल्लाह कीवे पता लगेगा रास्ता सीधा केड़ा है? फरमाया निशानियां अलामत कुदरत पे दस दी है। फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाह अलैहिम मिनन नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अलामतां ने निशानियां ने राह पुछदे हो। मैं पूछिया मास्टर साहब नूं, मैं सियाल मोड़ तो केड़े पासे जाना है? उन्हें मैंने चंद निशानियां दित्तियां, डायरेक्शन फलाना पिंड आएगा, फलाना आएगा, जेड़े बच्चे लैन गए उन्हें आखिया फलाना क्रॉस कर रहे हो, फलाना पिंड आएगा। ये अलामत की निशानी है। कुरान ने अलामतां दसियां ने कामयाबी वालियां, कि रूट तुहाडे लई सिरात मुस्तकीम है। अलामत ये कि इत्थे जिहड़े मोड़ आणगे, इन्हां मोड़ दे उत्ते ओह लोग मुकद्दस ने जिन्हां दे नाम नाल ये टर्न बने हुए ने, तक पता लगे कि असां उल्टे नहीं जा रहे, सीधे जा रहे। हौली हौली बोलो, जिहड़ा तैनूं चंगा लगे अपने बच्चे दे नाम ते रूट बना देने, चौक बना देने, रब नूं एडे चंगे लगे ने रब निशानियां रख। इस तू भी हौली बोल सकते हो, कोई हरकत नहीं। अल्लाह ने निशानियां कैसियां रखियां? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन, थोड़ा जे होर हौली, वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। 1400 साल बाद कोई ना वेखे, कोई ना मन्ने, वक्री बात है, लेकिन ज़हन च रख लै, नबियां तो बाद अल्लाह ने जेड़ा खुद दर्जा दिता है, अगला मोड़ ते सोने टर्न दा नाम अबू बकर दे नाम ते है। मेरा मिठा भाई जरा हौली बोल, थोड़ा जो होर हौली बोल,
एक बारी थोड़ा जे हो रौली बोल। अच्छा कुछ बिरा ने अच्छा इन्हों के ना दे है अली पाक के ना दसा सुभान अल्लाह अली दे पुत्रा ने ना ते चौके ओ मदीने जावे थोड़ा जा और ही बोल। घबराया ना कर काला ना पिया कर इस्लाम दी अजमत ना समझती आंदी है लेकिन थोड़ा जा हौसले नाल सात बारी जेड़ा मैट्रिक च फेल होवे बेचारा ते नौ सपलियां फे तू लवे ओ भी आंदा मैं मेले तू जलेबियां लईयां ते तल्ले जेड़ा वर्का आई ओदे तो मैं तारीख पढ़ी आई तवज्जो है कि नहीं। अपने अपनी ज़हनियत नू अपने कोल रख करमा लिया ये मेले आले जलेबियां आले ते पकौड़े आले कागज तू तारीख ना पढ़ जे अल्लाह तैनू हौसला देवे ते तारीख नू कुरान दे ताबे रख के पढ़ तैनू फिर पता चलेगा डिग्रियां रब ने दित्तियां। लड़ाइयां उदो पैंदियां ने जदों बंदा आखे मैंने खुद तारीख पढ़ी है मैंने खुद तारीख पढ़ी है। बिल्कुल तू पढ़ी है लेकिन तारीख नू थोड़ा जिहा समझ तारीख ते हुण भी बन रही है। एक बंदा आंदा इमरान खान माशाल्लाह क्यूट है पप्पू है तेज है सोहना है सियाणा है दूजा आंदा चबल है निखटू है निकम्मा है बहु कमीना बंदा है महंगाई की हद हो गई है दस दोवे चो चंगा केड़ा है दोवे बंदे हक बयान कर रहे ने हुण की आखेगा। ओए औली बोल जेड़ा बेचारा सुबह 56 रुपए चीनी लैके अगले दिन जेड़ा 120 लैके उन्हें तो आखना बिल्कुल ही लक्कू लै गए जिन्हें पिछले स्टेशन तो पेट्रोल पवाया सस्ता ही अगले तू मांगा उन्हें देखने लक्कू लै गए जिन्हों कोई लभ गई है माल पानी होता है ठीक रख ले। सच कहाँ लिखेगा मेरे दौर का तारीख दा जब वो अपना पेट भरता है कहानी बेच कर किया को गे शाम नु त्रै चार बंदे बैठे उन्हें पोटलियां लैके टीवी वाला एंकर पूछ दे तू दस कौन चबल है तू दस कौन बहुत हाल है जागदे हो कि नहीं फैसला कौन करेगा असा के भुट्टो क्यों जया फैसला मेरा अब्बा करेगा जिन्हें ओदा दौर वेखे या क्यों जया फैसला मेरा दादा करेगा जिन्हें दौर वेखे हौली हौली बोलो जे तेरे को बंदा कोई नहीं लभना भी नहीं मुड़ तारीख नू चा के कुरान दे सामने रख मुड़ जिनू कुरान मनदा जाए उनू मनदा जा बाकी नू रोड़ कुरान पियाख दाए रदी अल्लाहु अन्हुम वरदुआन ए अल्लाह पिया फरमा दाए लकद रदी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज युबायउन तहत शजरा फालिम मा फी कुलूबिहिम फअंजल सकीनत अलैहिम वअताबहुम फतहन करीबा। अच्छा मसलन उस मुअर्रिख नु लखा सलाम उस मुहद्दिस नु उन्हां लोकां ने हुजूर ने सारे विचो एक दा हाथ चाया फरमाया मन कुंत मौला अली ना दे बोल ले खुदा दे ना दे बोल लो ना बोल जरा एक बारी मुड़ बोलो ताकि पता लगे अली आले हो। हुजूर ने हाथ चा के फरमाया मन कुल तो मौला फाली उन मौला जिदा मैं मौला ओदा ओदा। अच्छा ये देते हो सुभान अल्लाह ये निशान भी है बात भी है जामे भी है लेकिन हुण कोई बंदा आके बस हुण मैं संदूक नु ताला लाऊंगा इस गल तो बाद मैं कोई गल सुननी नहीं करनी सुभान अल्लाह दे मामले जी दे अल्लाह असा के ए गल भी सुभान अल्लाह मैं 1400 साल बाद केड़ा डेर है तेरा सही मोहम्मद ग्लोटर मैं उठे गल की मैं तो हेक के रही बटे नजर नहीं आया
जो बच्चे ने वेखना अली दे नाल ते मेरा अब्बा गुलाब तरह खिड़िया नजर आया, उन्हें आखना वाह अली तेरे नाल प्यार करन दी भी जस आ गई। मेरे नबी आखिया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला सवा लख सहाबा चू कोई उठिया नहीं, कोई तुरिया नहीं, कोई एतराज नहीं कीता, 3000 दा मजमा ते मौजूद है, ये सारे दे नु मैं देखन कोई लड़िया भिड़िया नहीं उठिया नहीं। असा क्या सुबहान अल्लाह अबू बकर आंदे ना मैं बीमार आमी ना मैं गैर हाजिर आमी, उमर आंदे ना मैं बीमार आ ना गैर हाजिर आ, मैं मन गया असा खुश हो गए साढ़े यार दी विलायत दा ऐलान नबी ने आप कीता। उससे नबी दी ए गल मन डट के मन जम के मन 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 के मन अगू सुना के मन दस के मन चस नल मन। उससे नबी दी ए गल भी मन हुजूर फरमाया मुरु अबा बकरन फल युसल्ले बिन नास, आखो अबू बकर नो मैं मुहम्मद दे मुसल्ले ते खड़े हो के इमामत करा के दसे जिदा मुहम्मद इमाम है ओदा अबू बकर सिद्दीक इमाम है। गल सुन दीन च मर्जी ना कर, मर्जी करेगा सऊदी आल हशर होवेगा, ट्रंप तलवार लेके नच रहे है, मैं कहो इमाम काबा मर गया या जिंदा बेईमान है, क्या मतलब मैं कब भूख इंसानियत का कातिल पिया नच गई हराम के हराम दे करी आके मैं चुप हूं क्योंकि मेरा नाल आका पिया नच रहे है। बोले दस बल्कि की आख्या सुन ट्रंप इंसानियत का मोसम है, मरना गई इस्लाम दी ना तबलीग करने वाले लोगों की फिक्र, उन्हें की आख्या दो बंदे इंसानियत दे मोसन ने माज अल्लाह एक मोहम्मद बिन सलमान एक लानत ऐसी फिक्र ते रिजल्ट की निकले। अगे सोचो 80 लाख कश्मीरियों का दुश्मन 20,000 मुसलमाना का कातिल, तासुब की पट्टी उतार के मेरी गल सुनेगा दिमाग च बैठेगी। मैं मसलकी फिरका वारियत का कायल नहीं है लेकिन बगैरत बगैरत ना आखना कमीना बन समझ। 80 लाख कश्मीरियां दा दुश्मन 20,000 मुसलमाना दा कातिल, बाबरी मस्जिद शहीद करन वाला बेगैरत मोदी, उनू शाह सलमान बुट्टे खोशक जानी ने सदिया है, उनू सिविल अवार्ड दे के उन्हें कश्मीर दियां धीयां दा खून पमाल कीता के नहीं कीता। मैं आख्या ओ सुदैस मर गए के जींदे, ओ मस्जिद नबवी दा मौलवी मरिए के जींदे, ओ काबे दे इमामो मर गयो के जींदे हो, उन्हें आख्या मर चुके ने जिते कश्मीरियां दे दुश्मन नु सिविल अवार्ड मिलदा नजर आवे, जिथे कश्मीरियां दा दुश्मन अवार्ड लैंदा नजर आवे, रिजल्ट निकले आए ए बेगैरती दा वायरस UAE विच वी आ रहा है, उथों दे बेहया जाहिल मौलवी दा किरदार वेख लै, उन्हें मंदर शिरक दा अड्डा UAE दे बेगैरत हाकिम ने शिरक दा अड्डा मंदर बना के विच मूर्तियां सजा के उन्हें चाबियां 80 लाख कश्मीरियां दे दुश्मन 20,000 दे मुसलमाना दे कातिल मोदी नु दितियां ने। दसा मेहराब चुप रिया के नहीं रिया, मिंबर चुप रिया के नहीं रिया, अज न्यूम शहर नामी अंदर नेतन्याहू नाल मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान यहूदी नाल कीती है, मौलवी चुप है, हरम शरीफ
ਦਾ ਇਮਾਮ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਰਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰਮੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਗੇ ਬੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਮਹਿਰਾਬ ਦੀ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਕੇ ਲਈ ਮੌਤ ਗਿਆ ਖਾਬ ਬੇਦਾਰ ਕੋ ਦਿਲ ਜਿਸ ਕੀ ਫਗਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇ ਇਸ ਕੌਮ ਮੇ ਮੁਦਤ ਸੇ ਵੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਯਾਬ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰੋੜਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹੋ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਲਵੀ ਇਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਪੁੱਲ ਦੇਵਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਅਸਾਂ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਹਰਾਬ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਜੜ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 15 ਲਾਹੌਰ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ 7 ਕਰਾਚੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਿਊ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬੂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਫ ਨੂਨ ਜੀਮ ਰੇ ਬੜੇ ਬਿੱਗ ਉੱਥੇ ਬਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਸਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਦੱਜਾਲ ਇਹ ਦੱਜਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਯਹੂਦੀ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਕੀ ਆਖੇ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾ ਸਗਾ ਸੂਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਛੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 70 ਮਰਤਬਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚੂਪੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਆਲਮ-ਏ ਕੁਫਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਟੀਜੇ ਜੈਸੇ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਸੇ ਦੀਨ ਕਾ ਕਾਮ ਲੈਣਾ ਫਿਟੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ ਬਦਨਸੀਬੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ 70 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੁੱਢੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਦੀ ਮਹਰੂਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 200 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਕੱਲਗ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ 200 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਓ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਖੈਰ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਵੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਰੋ ਪਏ ਹੱਥ ਬਨ ਮਨਾ ਲੈ ਮਨ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਬਾ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਫੁਸਰੇ ਨਚਾਵਣ ਮੈਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੈਰ ਚਫਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬੰਨ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਓਏ ਭੈਣਾ ਘਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਘਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਚਾਹ
मार पाई पकड़ के दियां रो रही आंदियां अब्बा सानू छोड़ के चले भैणा बुआ पकड़ के रोंदियां वेन अज साडा राबता मुक गया वीर तुर गया पुत्तर रो रही आंदा पियो नू चुकदा है मैयत कब्रिस्तान रखदा है फिर जनाजे गात कपड़दा है पढ़ा लिखा है जनाजा नहीं आंदा पढ़ा लिखा है अब्बे नू गुसल दा वल नहीं आंदा पढ़ा लिखा है हराम हलाल दा नहीं पता अपने हाथ नाल पियो नू मिट्टी ते विच पूर के आया पुत्तर नू पियो ने पूरे है भैण नू वीर ने मट्टी दित्ती है धी नू पियो ने मट्टी दित्ती है दफन करके आया है जरा थोड़ा जिया सोचो ओए पार्टियां वास्ते मरण वाले हो बिजनेस वास्ते जमीन वास्ते जदादा वास्ते अपनी अना वास्ते तबीयत वास्ते जदों अंधेरा शुरू होना है कबर दे अंदर भैण ते घर रे धी भी घर रे पुत्र भी चावल पिया बनदा है डेरे विच फातिहा पिया जलदा है इधरों तारीकी शुरू होनी है उधरों फरिश्तियां उठा के आखना उठ बेलिया दस इहदे बारे च की आखदा रहिंदा सैं तेरे सामने कंजरियां नचियां दीन दी तोहीन होई चुप रहियो तेरे सामने सूद ते कारोबार चलदा रहा ब्याई बीवी रो के पियो हो के चुप रहियो मौलवी हो के चुप रहियो तेरे सामने खरीदो फरोख्त होई ये बेहयाई बेगैरती दी तू चुप रहे है और पीरा मौलवी आ चौधरी आ मलेका दस की ख्याल है कोई नहीं आंदा इतना बेताकत मैं बेसरो समाना मेरे कन च छोटा जिया बूढ़ा रोई दे मैं कढ़ नहीं सकदा मेरे होठां ते रोई पई है मैं हटा नहीं सकदा मैं इतना कमजोर हाँ कोठी बनाई है पुत्र मालिक बन गए जायदाद हराम हलाल दी तमीज कीते बगैर बनाई है पुत्र केस पे कर दे ने एक दूजे नाल लड़दे फिरदे ने कोई नहीं नेड़े आया अज नबी सामने खड़े ने फरिश्तियां दे ने इन्हां दे बारे च दस जिन्हें मुस्तफा दी पहचान की होगी उन्हें आखना मैं ते धुप च भी ना दा जिक्र करदा रही हां मैं ते गुरबत च भी ना दियां गल्लां कीतियां ने मैनू अल्लाह ने जदाद दित्ती आई मैं इन्हां दी शरीयत नू सामने रख्या आई मैनू अल्लाह ने धी दित्ती आई इन्हां दी शरीयत दे मुताबिक रुखसती कर आया मैनू पुत्र दित्ता आई इन्हां दी शरीयत सिखा के आया मैनू अल्लाह ने इज्जतां दित्तियां खन मेरे कोल लोगां दियां धीआं महफूज हन मेरे कोल लोगां दियां इज्जतां महफूज हन मेरे कोल भैणां महफूज हन हालांकि मैं जवान भी सां ताकतवर भी सां लेकिन मैनू इन्हां दी शरीयत मद्देनजर रखी है मैं तां कारोबार शरीयत दे मुताबिक कीता है जिंदगी इन्हां दी शरीयत दे मुताबिक कीती है मैं सब कुछ इन्हां दे हुक्म ते कीता है ओ कसम रब दी मजा उद आएगा जदों नबी आखन के फरिश्ते हो अज एदे कोलू ना पुछो मैं कौन आज मेरे कोलू पुछो ए कौन है अज मैं दसना है कौन है यार शराब दी गल्ला कर दे मदीने वाला नाराज कर यार बदकारी दे अड्डे आबाद कर देने की कोशिश कर दे मदीने वाले नाराज लेकिन कितनी चस आई होनी जदो एक ही सवाल फैजाबाद वाले बाबे खादिम हुसैन रजवी को इना दे बारे च दसा की ख्याल बाबे ने आखी होना उंज दसा जिवें फैजाबाद दे पुल ते बह के नारे लांदा रहा कसम रब दी मजा उदो आएगा ओए जिंदगी चंद रोजा जे गोली किसे वल जा रही होंदी है बंदा गुआंदा है मर जांदा है एक्सीडेंट नाल बंदे मरदे ने रोड़ के मरदे ने डुब के मरदे ने इस तो पहले के जिंदगी मुक जाए आओ ए जिंदगी थोड़ी है इनू मुहम्मद पाक दी शरीयत दे ताबे कर लईए ताकि रिश्ता कबर च नाता ताल्लुक कोई नहीं कम होना कोठी में बनाई बंगला में बनाया काबिल कोई गोरे हराम हलाल दी तमीज मैं नहीं की थी ऐश कोई गोर प्या कर दाए हक मैं मारे ऐश कोई गोर करे शराब पीवन
वाला जना पीवन करन वाला और कोई आयाशी पिया करदा है आओ किसे वास्ते छोड़ देवो ऐसी जदाद न बनाओ जेड़ा किसे दा हक मार के बने किसे ते जुल्म करके बने किसे नू डक के बने ऐसी जदाद बना जदो एगो जई जदाद तू कसम खुदा दी हलाल कमावन खावन वाला बच्चा होवेगा ओ भावे पुलिस दा मुलाजम बनेगा गाजी मुमताज तरह हुजूर दी इज्जत दा मुखाफिज बनेगा भावे अनपढ़ होवेगा गाजी इल्मुद्दीन बनेगा लेकिन एदी चश उदो आएगी जदो कबर दी तारीकी होवेगी पतियां नहीं होवनगियां कनेक्शन नहीं है यूपीएस नहीं है कोई शय नहीं हुजूर दी जलवा करी है इधरू अंधेरा शुरू होण लगा है हाथ नाल मिट्टी पा के टुर आया जिना रिश्तेयां ते नाज आई कोई खड़ी वेखदा मैयत चुको कोई जनाब टाइम वेखदा जनाजा पढ़ो वो सारे टुर गए ने हुजूर आ गए ने अम्मा तू क्यों नहीं आई अम्मा घर पई रोंदी है धिया तू क्यों नहीं आई धी घर पई रोंदी है बहन घर पई रोंदी है वीर दो दिन टुकर नहीं खादा फिर खुशियां नाल जिंदगी गुजरदी है ओए उजड़े कब्रिस्तानां विच चौधरियां नूं लेटिया वेखो वजीरां दियां कबरां वेखो मुशीरां दे डेरे आबाद हन कदे कबरां वी वेखो चौधरियां दे डेरे आबाद हन कदे कबरां वी वेखो तुहाडे मेरे डेरियां नूं ना वेखो ओए उजड़ियां कबरां वी वेखो ते कदे वसदियां कबरां वी वेखो जिन्हां यार मनाया है जिन्हां रब मनाया है जिन्हां मुहम्मद पाक मनाया है कसम खुदा दी दस आंदे ने वी जांदे ने वी आंदे ने दस जांदे ने ओ कोई फुल पिया सटदा है कोई कुरान पिया पढ़दा है मैं आख्या बाबा खादिम गरीब पियो दा पुत्तर आवे मजदूर दा पुत्तर आवे गरीब मां दा पुत्तर आवे तेनू ते घसीट आवेगी तेनू ते ठुड्डे भी मारे गए तेरे बच्चियां नू जदों कोप भी कीता गया तेनू ते निक्के निक्के हराम खोर पुलसियां भी तशद्दुद दा निशाना बनाया उन्हें आख्या कोई बात नहीं है उन्हें रोजी सिद्धि कीती है नौकरी सिद्धि कीती है मैं यार दी शरीयत दा पारा दे के आया मीनारे पाकिस्तान भी आख रहा सी लोगो मैं बड़ा उच्चा सा मगर अज मुहम्मद दा नौकर हुसैन दा खादिम दस गया उच्चा मैं नहीं हाँ उच्चा हुसैन दा खादिम ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਲੀ ਬਣਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ नबी नू ना भुली उजड़ जाएगा नबी नू ना भुली ओ केड़ा करीम है जिथे कोई नहीं आंदा उथे भी आ जांदे ने ते मजा उदो आएगा जदो तेनू मैनू आख्या जाएगा इन्हां दे बारे च दस शाला अल्लाह मौका देवे असा भी आखिए पै करे दिल रुबाब के आया पै करे दिल रुबाब के आया सारे बोलो पै करे दिल रुबाब के आया कोई चुप न रवे सारे अखो पै करे दिल रुबाब के आया रुगे अर्जो समा बन के आया उची बोलो पै करे दिल रुबाब के आया बोलो पै करे दिल रुबाब के आया और रुगे अर्जो समा बन के आया ए पै करे दिल रुबाब के आया रुगे अर्जो समा बन के आया
सब रसूल खुदा बन के आए, ये हबीब खुदा बन के आया, सारे आखो सब रसूल खुदा बन के आए, सब रसूल खुदा बन के आए, हाँ सब रसूल खुदा बन के आए, ये हबीब खुदा बन के आया, ए ताजदारों दी गए सलामी, बादशाह की है गुलामी, ताजदार ने दी गए सलामी, बादशाह की है गुलामी, बेमिसाल का इस में गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन गया, नारे तहकी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। गैरत मेरी गैरत नबी दे नां ते ना जागे, ते पीर दे नां ते, लीडर दे नां ते, मौलवी दे नां ते, शिया होन, सुन्नी होन, वहाबी होन, देवबंदी होन दे नां ते जागे, ते फिर सारे लम्हे फिक्रे ते गौर करिए दा मतलब है कि शायद मोमिन नहीं। मोमिन तो उदो बंदा होंदा जो मुस्तफा दी इज्जत दी बात आवे फिर मैदान च। थोड़ा जिहा सोचो, 1400 साल पहले वाले नक्शे नूं सामने रखो, कयामत कायम हो जाए असी मर जाइए, हुजूर जलवा कर रहा हूं, थोड़ा जिहा गौर करो, बीबी सैन, मखदूमा पाक, मोहसिन कायनात, अब्बा पाक के दरबार च खड़ी होवे, आख रही होवे अब्बा हुजूर जरा अपनी उम्मत नूं पुछो, एक कुत्ता भौंकिया ही तुहाडी इज्जत ते अजमत दे हवाले नाल, मेरा हुसैन सारा कुंभा लैके गया ही, इस उम्मत नूं तां पुछो फ्रांस च कुत्ता भौंकिया, इन्हां दी नैशनैलिटियां तलब कीतियां, इत्थे टीवी चैनल दे उत्ते एक बदबख्त फाद मुस्तफा नामी कलीज इंसान, वो अज प्रोग्राम लैके चले हुए है, एलयू की प्रोडक्ट खरीदो फ्रांस की, करोड़पति बन गया, कौम इतनी बेगैरत पड़ चुकी है कि प्रोडक्ट खरीदन लई सिर्फ इस लई के इनाम मिलेगा, फ्रांस का कुत्ता तेरे नबी दी इज्जत ते हमलावर हो गया, तेरे को टोटल दा पेट्रोल पंप दा पेट्रोल छड़िया गया, सात दिन तक नहीं कई दिन तक खाके बना को ना शाया कीते, वो जिहड़े मुसलमान उत्थे आबाद ने मर नहीं गए, उन्हां दी गैरत की है जी, कोई तस्तुमस नहीं होया, छोड़ दो अरब दी दुनिया नु की पई कर दिए, असां तां अपने उस जालिम हाकिम नाल गल करनी है ना, जिहड़ा कल तक खरीदो फरोख करके गंदे अंडे लैके ते अपनी हुकूमत बना रहे थे, अज गंदे अंडे होर पासे तुर गए ने, ते काका तू खत्म पढ़ के ना वे लाया आया, जिन्हां नु तू खरीदियो फिर वो बिक गए, क्योंकि बेगैरत बेगैरत ही है, भावें कौमी असेंबली चो भावें सैनेट चो भावें सूबाई असेंबली चो होंदा बेगैरत ही है, और बोल ते मर सही, ये जिन्हां दे पिछे मालसीए बन के फिर रहे ना, उन्हां दी चंगिया नु कढ के बाकी कुत्तियां भी लैण दी औकात की है, वो आंदे ने मंडी लाओ साडे जमीन दी, साडे वर्गा को बेगैरत है सानू खरीदो, उन्हां की कानून साजी करनी है, जिहड़े तेरे मुल्क चंद टकिया ते विक गए ने कि फ्रांस ते यूरोप दा कुत्ता अगर उन्हां नू कोई हड्डी पावे ते नहीं माल पानी लाया जाए, अलबत्ता दीन दा अजमत देख लै के दीन शजरे खोल दे, दीन कज भी देंदा है शजरे,
अगर कोई हरामजादा होवे तो कुरान बयान करके पर्दे खोल के आंदा है मुस्तफा दा दुश्मन हरामजादा है ते दीन ने पर्दे क्यों खोले कि मां ओदी नचण वाली आई गलीज मां दा पुत्तर खटिया मां दा पुत्तर आई पर्दे रखे हुए पता नहीं ओदी मां नचदी है गांदी है लेकिन ओने अपना वजीर खां मस्जिद दे बाहर नच के दस्या कि मैं कंजरियां दी औलाद हां जिन्हूं जुमला भारा लगे वो अपना मुंह थले कर लवे बस हरकत चाहिए हुजूर दे मिंबर ते हुजूर दा नाम लवो ते जेड़ा हरकत ते चांदा है उस हराम खोर नु मैं की आका ए मुल्क तुहाडियां बेगैरतियां लई ते नहीं बणियां ए ते इना दे वड्डियां ने मुहम्मद अरबी दी इज्जत ते नामूस दी हिफाजत लई बणाया है तवज्जो है मेरे नबी दे प्यारे गुलामो आओ खुद के तमाम करिए ताकि कयामत वाले दिन मखदूमा पाक मोहसिन कायनात पूछे अब्बा जान मेरा हुसैन ते शहीद होया मेरे अकबर ते असगर ते कट गए ओनो मुहम्मद जियां कलियां मसलियां गईयां तुहाडी शरीयत दी हिफाजत लई शरीयत ते कुत्ते भौंकदे रहे चौधरी मलिक नवाब खान पीर तस्तुमस न होए हाथ चुमाने च लगे जुब्बे कुंजने च लगे रहे बिजनेस तिजारत नूं फरोग देने च लगे रहे शरीयत मुतागरा दी नामूस रिसालत दी बात आवे मोमिन मैदान च खड़ा होंदा मोमिन जुद वक्ती नहीं कुल वक्ती होंदा ईमान दा आलम वे मुस्तफा दे प्यारे गुलामो अबू बकर दा सगा बाबा ए हुजूर दे बारे च थोड़ी जी गल ओदे मुंह च निकली अबू बकर धक्का दित्ता अब्बा ओ जा डिगी ए सुबह हुजूर फरमाया सुनया रात पियो नु धक्का दित्ता अर्ज कीती आका अल्लाह दी कसम है शुक्र है तलवार कोई नहीं अगर तलवार होंदी मैं अब्बे दी गर्दन ला देंदा इतनी गल कीती है अल्लाह ने आयत उतार के अबू बकर दी गैरत दा सर्टिफिकेट दिता है फरमाया ए कैसा ला तजिदु कौमन युमिनूना बिललाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फी कुलूब बिहिमुल ईमान सुभान अल्लाह जदों ईमान दी बात आंदी है फिर रिश्ता नाता नहीं इते फखर नाल लंदे वे अंग्रेज आदे कादियानी हमारे रिश्तेदार है हमने तो कभी महसूस नहीं किया भाई तेरी औकात की है कुत्ते आ तेरी औकात की है मोहम्मद पाक दे दीन दी अजमत कुछ नहीं दोनों कुछ तब्बर कुताया तब्बर कुंबा छोटी जी गल है जरूर कर पुत्र दी बात आई अब्बा तू मेरी तलवार दी जद च आया मैं अब्बा समझ के रुख फेरिया अबू बकर सिद्दीक आंदे ने बच्चा तू मेरी तलवार दी जद च आंदा मैं इतने टोटे करदा लोगां नूं पता लग जांदा अबू बकर नूं बाल प्यारा नहीं सिर्फ आमना दा लाल प्यारा मुस्तफा तरबियत करे शरीयत मुतारा दा मिजाज देखो हजरत उमर फारूक ने फरमाया सुनो अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉੱਚੀ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨਾ ਆਖੀ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੈਸੇ ਖੈਰਤਮੰਦ ਖੁਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਥਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਖੇ ਖਾਨ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ ਵਾਹ ਮੁੱਲਾ ਵਾਹ ਮੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਗੈਰਤ
पर एडा चस्त कमीना मैं नहीं वेखो। हर एक नु जप्पी पा के चलो साडे जुमले सख्त होंदे ने, मरे तू इना नरम जुमले नाल ही आपदे दीन से गद्दारी ना करो, शरीयत से गद्दारी ना करो, खत्मे नबूवत से गद्दारी ना करो। तुसा वेखो खुदा दी लाठी दे आवाज है जेड़ा आंदा सी मैं यूं करूंगा, अम्मा नु मुल्क नसीब होया, जेड़ा आंदा सी मैं यूं कर दूं तो कल तरमीम हो जाए, अम्मा नु कंधा देना नसीब होया। खान साहब तेरे को सिवाय दो कुत्तियां दे होर शाही कोई, इस वास्ते खुदा दी आवाज को डर, कुदरत दे फैसले को डर। मामला साडा नहीं, मामला हुजूर दी इज्जत दा। एडा अल्लाह पाक इस मामले च सख्त है, भावें जो सदा चाचा आई अल्लाह फरमा दिता है तब्बत यदा अबी लहब मतब, कोई शय नहीं बचती। ते कसम खुदा दी भावें जो दूर तो आया ते माड़ा आई हुजूर फरमाया इस्लाम निक्के बड़े नु नहीं वेखदा, इस्लाम कुर्बानियां नु वेखदा है। बिलाल ने अजान दी ते फिर लोगां ने वेख्या हुजूर इतना करीब कीता बिलाल नु मुस्तफा दा वजीर खजाना बन गया। तवज्जो है ना, चलो मेरे घर इस वास्ते हुजूर दी कुर्बत ते आ जाओ। 1400 साल बाद रहमत नबी दी वाजा मार, तवज्जो है ना, हुजूर दे दामन करम नाल वाबस्ता हो जाओ। अगर एक जलसे तो बाद ये सब इत्तमाम कर लीजिए, अहद पैमान कर लीजिए, आज तो बाद झूठ इतराफ जुर्म कर रहे हैं। लेकिन इस जिक्र तेरे महबूब के जिक्र अपने कन मेरी जबान साढ़े कन इस्तेमाल हो, तेन उस पाक महबूब के जिक्र का वास्ता सानू तौफीक दे, अज तो झूठ नहीं बोला। जिद हद थले अल्लाह उन्हों चाल है साड़ी जान पर छुड़ाओ, जिद हद तो चल अल्लाह उन्हों बाला बच्चा समायत मदीने अपड़ा दे, अज तो झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। हौलिया को सुन ना लगे, अज तू धोखा नहीं देंगे, अज तू पड़ोस किसी की धी बहन से गंदी नजर नहीं रखांगे। जेड़ा अपनी धी बहन की इज्जत महफूज चाहता है उची बोले, अज तू धी बहन की इज्जत साढ़े को अलहमदुल्ला हर एक की बेटी की इज्जत महफूज। माँ प्यो अगू उच्चा नहीं बोलेंगे, सूद नहीं खावे। हौली हौली बोलो, आवाज बार ना चली जाए, होर हौली बोलो, अज तू सूद तलानत बेशुमार, सूद तलानत बेशुमार, सूद तलानत बेशुमार, सूद तलानत बेशुमार, रियाकारी तलानत बेशुमार, जना तलानत बेशुमार, शराब तलानत बेशुमार, हुजूर दे दुश्मन ते लानत, हुजूर दे खत्मे नबूवत ते हमला करन वाले ते लानत, खत्मे नबूवत दे दुश्मन लाल नरम गोशा रखन वाले ते लानत, हुजूर दे दुश्मन ते लानत, पाकिस्तान दे दुश्मन ते लानत। माशाल्लाह, ए हुण वादा कीता सी इंशाल्लाह, ते ए कदों तू शुरू करना काम जिंदाबाद। अल्लाह तुनु आबाद ओ शाद रखे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गल चंगी ना लगी हो तो माजरत खां वा, अगर हुक्मराना की गल नाल किसी तकलीफ हुई हो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा फरमा ले, अल्लाह उसकी पीड़ बरकत फरमा ले। मास्टर साहब खिजर साहब थोड़ा शुक्रिया, अल्लाह तुम सलामत रखे। थोड़े बहाने बैठ के चंद गल सरकार के जिक्र दिया करण सुन का मौका मिलता है। अल्लाह योजे मौके सानू नसल दर नसल नसीब फरमाए।